नमस्कार आप सभी को। मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करता हूं टास्क दी एकेडमिक सॉल्यूशंस कियोस्क में। कुछ बच्चों के हमारे पास में प्रश्न लगातार आ रहे थे तो मैंने उन सभी का समाधान करने की आज सोची। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज द टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम वेयर वी कैन ज्वाइन इक्विवेलेंट टू बीई एंड बीटेक कोर्स, डियर सर प्लीज आंसर। तो उस रिगार्ड में आप सभी को बताना चाहूंगा, मैंने जैसा अभी बताया था कि एक एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स कर सकते हैं, जो एक संस्था है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स कोलकाता में है ना, वहां से कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों का था कि कुछ उनकी लिमिटेशंस हैं, कुछ उनकी चॉइस है, कोई और भी संस्थाएं हैं क्या इस तरीके की, कुछ विशेष कुछ विस्तार से जानकारी दीजिए जिस पर कि हम आज उस पर फोकस करेंगे। हमारे पास ये जो जानकारी उपलब्ध है उसमें तीन ऐसी संस्थाएं हैं। उसमें एक संस्था है जिसका नाम है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, जो कि कोलकाता बेस्ड है, उसका जो ऑफिस है कोलकाता में है, जो कि इसका फाउंडेशन 1935 में हुआ था, काफी पुरानी संस्था है, जहां पर कि डिप्लोमा और बीटेक के समकक्ष कोर्सेज कराए जाते हैं। कराए जाते हैं क्या कि वहां पर क्या है कि यदि आप 10+2 पास हों या डिप्लोमा पास हैं तो ऐसे बच्चों को, ऐसे कैंडिडेट को वहां से कुछ पेपर्स हल करने होते हैं। उन पेपर्स को हल करने के बाद उनकी मान्यता बीई और बीटेक के समकक्ष हो जाती है। उसी प्रकार एक और संस्था है आईएमई इंडिया, जो मुंबई बेस्ड है। मुंबई बेस्ड जो संस्था है वह 1914 में एस्टेब्लिश हुआ था। और तीसरी एक संस्था है आईईटीई इंडिया, जो कि दिल्ली बेस्ड है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियर्स, वह 1953 में एस्टेब्लिश हुआ था, राइट? इसके मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों संस्थाएं हैं वह बीई और बीटेक की समकक्ष जो पाठ्यक्रम वहां पर संचालित करती हैं, और इनके जो केंद्र होते हैं, सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं डिफरेंट लोकेशन पे, ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट लोकेशन पर इनकी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जो सामान्यतः दिसंबर और जून में, जैसे आपके बीई और बीटेक के एग्जामिनेशन हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में आयोजित की जाती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है जून और दिसंबर में सामान्य रूप से परीक्षाएं संचालित की जाती हैं, जिसमें कि जो इनके केंद्र होते हैं, इनके सेंटर्स, मेजर सेंटर्स, लगभग सभी सेंटर्स पर इनके परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। साथ ही साथ इनके केंद्र भी मुख्य मुख्य जो आपके मेजर स्टेट कैपिटल में तो होते ही हैं, प्लस केवल टाउन में जो बड़े टाउन्स होते हैं, बड़े सिटीज होते हैं जो महानगर कहलाते हैं, उसमें भी ये इसके ऑफिसेस सेंटर्स हैं, स्टडी सेंटर्स इसको कहते हैं, राइट? इसमें सामान्य रूप से दो तरीके के सेक्शंस को पास करने होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है? जो इनकी योग्यताएं हैं, कुछ बच्चों के हमारे पास में क्वेश्चन आ रहे थे कि व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ज्वाइनिंग दिस टाइप ऑफ कोर्सेज, राइट? तो मैं बता देता हूं, जो आईईटीई जो संस्था दिल्ली बेस्ड है जैसा मैंने बताया, उसमें यदि किसी छात्र ने डिप्लोमा किया हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसमें जैसा बताया गया है, मैं उनकी वेबसाइट से ही बता देता हूं, मैं वैसे वेबसाइट की जो डिटेल है मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सभी के आसान के लिए, आपके मदद के लिए उस पर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? मीन्स कैंडिडेट शुड हैव द डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड नॉट लेस देन 18 ईयर ओल्ड, मानी 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए वो छात्र बच्चा, वह AMIETE के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं और उनसे संबंधित जो भी पाठ्यक्रम आयोजित की जा रही हैं उसमें वह अपना पंजीकरण करा करके अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा
जो मैंने जैसा बताया इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, जो पिछले वीडियो में मैं वीडियो के भी हम सब्सक्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की डिटेल दे दूंगा जो पिछले वीडियो मैंने बताया है, तो उसमें क्या है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जो है जो कोलकाता बेस्ड है उसके लिए जो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी दो तरीके के होते हैं। एक होता है सेक्शन ए नॉन डिप्लोमा बेस्ड और सेक्शन बी उसके होते हैं, और उसी तरीके से सेक्शन ए डिप्लोमा और उन्हीं जो सेक्शन मतलब कि कोर्स के बी होता है। ठीक है, मैंने कि जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनके लिए भी, जो डिप्लोमा होल्डर नहीं है उनके लिए सेक्शन ए और सेक्शन बी के डिफरेंट कोर्सेज को पास करना होता है। राइट, सेक्शन ए नॉन डिप्लोमा के लिए जो टेक्नीशियन मेंबर्स हैं, जो 10+2 होता है, उसके बारे में मैं विस्तार से नहीं जा रहा हूं क्योंकि यहां पर ज्यादातर प्रश्न उन बच्चों के आए हैं जो डिप्लोमा पास किए हुए हैं। राइट, तो सेक्शन ए डिप्लोमा होल्डर के लिए जो है वह सीनियर टेक्नीशियन मेंबरशिप में उनका रजिस्ट्रेशन होगा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स में। राइट, और उसके बाद उनको परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं जो उनमें बैठना होगा। उसके बाद जब सेक्शन ए के सभी प्रश्न पत्र हल हो जाएंगे जो कंप्लीट कर लेंगे तो उनका सेक्शन बी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। राइट, मैं तीसरी जो संस्था है मैं बता दूं, एक संस्था है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स IME इंडिया जो मुंबई बेस्ड है, उसमें भी इसी प्रकार से सेक्शन ए और सेक्शन बी की परीक्षाएं जो आयोजित होती हैं उनमें बैठना होता है और उसको उत्तीर्ण करके बीई और बीटेक के समकक्ष आपको प्रमाण पत्र मिल जाता है। इसमें मैं बता दूं कि इसमें सिर्फ ये लिमिटेशन है कि जो मैकेनिकल इंजीनियर्स के जो स्टूडेंट है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही उनको डिप्लोमा या बीटेक के समकक्ष कोर्स करना है वही उसमें संपर्क कर सकते हैं, वही उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें जो सेक्शन ए है उसमें लिखा हुआ जैसा है, पास्ड इन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और एनी ऑफ द इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन विथ 6 मंथ वर्क एक्सपीरियंस इन इंजीनियरिंग फील्ड आइदर एज ट्रेनी और एम्प्लॉई और अ फाइनल पास इन टी इंजीनियरिंग। टी इंजीनियरिंग जो इनके कोर्स होते हैं जो नॉन डिप्लोमा होते हैं, टी इंजीनियरिंग कोर्स पार्ट टू एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड हु हैव 3.5 ईयर इंजीनियरिंग वर्क एक्सपीरियंस, जो 3.5 साल का अनुभव उनके पास में कार्य करने का हो वह सेक्शन ए के लिए अपियर हो सकते हैं। और जैसे ही सेक्शन ए कंप्लीट होगा उसके बाद एक उनके नियम के तहत सेक्शन बी की परीक्षा में बैठ करके आप उसको समकक्ष बीई और बीटेक की परीक्षा पास कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें कुछ बच्चों के प्रश्न थे, व्हाट विल बी द फीस स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दिस डिटेल, तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि फीस स्ट्रक्चर इसमें डिटेल बताने की आवश्यकता होगी या संभव पाएगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में यदि आपको फीस स्ट्रक्चर की डिटेल है इस जो वीडियो को देखिए और आप इसमें जो डिटेल आपको पूछना है उसमें सबसे ये कमेंट बॉक्स में पूछ करके हमसे आप उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप किसी भी प्रकार के प्रश्न संबंधित जो आपके एकेडमिक से रिलेटेड है और किसी प्रकार के कोर्स से रिलेटेड है वो आप जानकारी टास्क दी एकेडमिक सॉल्यूशंस कियोस्क ये जो चैनल है प्लेटफॉर्म है उस पर आप पूछ सकते हैं। मैं सभी प्रश्नों का संभवतः प्रयास करूंगा जिससे आपके सभी प्रश्नों का समाधान मिल सके। धन्यवाद।